2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोलारस विधानसभा के बदरवास में आज पहली बार वर्तमान राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का रोड शो किया जा रहा है, जिसमें सभी कांग्रेसी प्रत्याशी अपना अपना वर्चस्व दिखने में जुटे हुए हैं। पूरे नगर में कई जगह हाल ही में कांग्रेस में ज्वाइन हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र गोटू जैन ने स्वागत की व्यवस्था कराई गई है। लोगों में गोटू जैन की चर्चा तेज है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमला बैजनाथ सिंह यादव भी अपना बहुमत दिखाने में जुटे हुए हैं, जिन्होंने कई जगह पर जयवर्धन सिंह के स्वागत की व्यवस्था कराई गई है। इनके निवास पर भी पहुँचेंगे जयवर्धन सिंह। मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ। बिल्कुल नहीं है, मैं टिकट में सबसे आखिरी में हूँ। सबसे पहले अधिकार उनका है जो कांग्रेस का काम बरसों से कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी जिस रूप में मुझे उचित समझेगी, जहाँ समझेगी, मैं कार्यकर्ता के रूप में आम जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई पद बड़ी चीज़ नहीं है। 3.5 साल की सरकार में मैं कभी कोई दफ्तर में, कोई मंत्रियों के सामने, मंत्रियों के बंगलों पर मैं सत्ता के पीछे होता तो 3.5 साल मुझे आप उनके आगे पीछे देखते कभी नहीं देखा होगा ना। मैं सत्ता के वजह से कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। भाजपा पार्टी से आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, जी, बड़े भाई विधायक भी रहे हैं 2013 के लगभग, जी, तो ऐसे क्या कारण मैंने फिर मैंने बताया ना, जब आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही, बिना पैसे दिए लिए कोई काम होता हो तो किसी से पूछ लो, इतने लोग हैं तो जब मैं क्या दलाली करूँ क्या? ये पूरी विधानसभा क्षेत्र को शिवपुरी जिले का दलाली का अड्डा बना दिया है। पूरे जिले की दलाली शिवपुरी विधानसभा, पूरे जिले की दलाली कोलारस विधानसभा के क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। 70% कंट्रोल है, वो चला रहे हैं। 5-5 महीने से लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा, इसकी शिकायत मैंने पार्टी संगठन में की, सरकार से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चूंकि बड़े बड़े नेता जब कंट्रोल चलाएंगे तो निश्चित है कि उन पर प्रशासन की कोई ताकत नहीं कार्रवाई कर सके।